हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे। अभी सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे सुबह के टाइम मैंने डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद हम लोग का चाय वगैरह हुआ था और अभी मैंने नहा लिया। नहाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और अभी ना रात को बारिश भी हुई थी, तो देखिए मौसम कुछ इस तरीके से था। आज कपड़े भी ज्यादा ही धुला है। अभी 2-3 दिन ना बारिश हो रही थी और अच्छी धूप नहीं निकल रही थी, इस वजह से कपड़े भी काफी ज्यादा हो गए थे। तो फाइनली देखिए पूरे घर के लोगों ने सारे अपने कपड़े धुल दिए। देखिए 3 रस्सी इधर का भी भरा हुआ है, मतलब पूरा छत भरा हुआ था कपड़े से। तो यहाँ पे मैं भी कपड़ा फैला देती हूँ। ये तो कपड़े ये धुल दिए थे, जो बच्चा था मैंने भी धुल दिया। और मैं आ गई नीचे, यहाँ पे हितांशु नहा लिए हैं, इनके डैडी इनको पहना रहे हैं कपड़ा। और स्वर्णिमा को यहाँ पे मैं करूंगी कंघी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे ना दूध वाला भी आ गया था। मैंने दूध ले लिया है। और सुबह के टाइम हम लोग का चाय वगैरह हुआ था। और सुबह के टाइम मैंने कुछ नाश्ता में नहीं बनाया, डायरेक्टली छोला बना देंगे और जीरा राइस और पूरी। अगर ये बोलेंगे खाने के लिए, उनके लिए पूरी बना देंगे। तो फाइनली यहाँ पे मैंने छोला रात को भिगा दिया था। यहाँ पे टमाटर प्याज मैंने कट कर लिया है। तो चलिए इन तक बंदी ढेर सारा प्याज दीजिएगा। देखें तो प्यार सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, हाँ।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने ना छोला बिठा दिया है, 2-3 सीटी आएगा तो हो जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, यहाँ पे मुझे हितांशु को पिलाना है दूध। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना हम लोगों का दोपहर में खाना हुआ था, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग आराम किए थे। फिर अभी इनको किसी काम से जाना था, आज तो ये रेस्ट पे थे, फिर इनको किसी काम से जाना था तो ये चले गए थे बाहर। और हितांशु अभी सो रहे थे, अभी शाम के 5 बज गया है। तो मैंने सोचा ना कि आज ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुला हुआ था, तो अभी तो कुछ कपड़े सूखे भी नहीं थे, क्योंकि सुबह के टाइम तो धूप काफी अच्छा हुआ था, फिर दोपहर में बादल सा हो गया, फिर कपड़ा सूखा है बट अच्छे से नहीं सूखा है। कुछ जो मोटा मोटा कपड़ा है ना, जैसे जीन्स वगैरह थे उसका लास्टिक, हितांशु को मैंने कई सारे इनर वगैरह, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना तो इनका इनर निकाल देते, इनर भी धुला था तो इसके भी लास्टिक सब नहीं सूखा था, सूख गया था बट अच्छे से नहीं सूखा था जैसा कि चाहिए। तो यहाँ पे बेडशीट फाइनली सूख गया था, तो इसको मैं लेते हैं, तो इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, एक नाइटी। और इसके बाद ना मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं लिया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, देखना तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।